नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें। चुनाव 24 में दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम, पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। 3 इंटरनेशनल समेत 23 विजेता क्रिएटर्स को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से किया संवाद, उनकी जर्नी और उनके कामों से समाज में योगदान के बारे में बातचीत की। कथावाचक जया किशोरी को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। टेक गुरु गौरव चौधरी को भी पीएम मोदी ने किया सम्मानित। सिंगर मैथिली ठाकुर को भी मिला पीएम मोदी ने अवार्ड दिया। मैथिली पर बढ़ाया हौसला, मैथिली ने पीएम मोदी को गाकर सुनाया भजन। आरजे रौनक को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रचनाकार पुरुष पुरस्कार से पीएम मोदी ने किया सम्मानित। महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती। दिल्ली में कीमत घटकर हुई 803 रुपए। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी, एलपीजी सिलेंडर के रेट 100 रुपए कम होने से लाखों परिवारों को मिला फायदा। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, लिखा अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। सूत्रों के मुताबिक 10 राज्यों के 60 से ज्यादा नामों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का केरल के वायनाड से चुनाव लड़ना तय। रायबरेली से प्रियंका गांधी हो सकती हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के नामों पर हुआ मंथन। लक्षद्वीप, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर पर भी चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगली बैठक 100 मार्च को हो सकती है, कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन पर आज लग सकती है मुहर। एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी होगी गठबंधन में शामिल। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने भी देर रात अमित शाह के साथ की बैठक। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 14 और बीजेपी 8 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जनसेना को मिल सकती है 3 सीट। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात, कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट, लिखा अमेठी रायबरेली सीट गांधी परिवार की इकलौती सीट नहीं है और सोनिया गांधी के बाद राहुल और प्रियंका ने भी किया है पलायन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्मृति ईरानी को जवाब, उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी की लेती है अंतिम फैसला। राहुल प्रियंका गांधी पर भी वही करेगी फैसला। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, कहा पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं की जा रही शुरू। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात, कहा 2047 में जब भारत सबसे बड़ा शक्ति होगा, हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जीएंगे। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाया होर्डिंग और पोस्टर। पोस्टर पर लिखा न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगाए गए पोस्टर, उर्दू में लिखे करीब 2000 होर्डिंग तो पोस्टर 23 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगाए गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में लगाए होर्डिंग और पोस्टर। सहारनपुर, अमरोहा, मेरठ समेत कई शहरों में भी लगे पोस्टर।